गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन को ले करके उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसके बाद आप उनको कंपेयर करके किस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी रिएक्शन कम स्टेबल होगी। अब आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो किससे होता है, मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से होता है। यानी मेटल और लिगेंड दोनों आपस में कंबाइन होकर के ही तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है MLN, कोई भी कॉम्प्लेक्स है MLN जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स को कंसिडर कर लिया जो कि है MLN, और MLN का फॉर्मेशन हुआ है मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से। अब देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर MLN कॉम्प्लेक्स को कंसिडर कर लिया है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें M क्या है, M है मेटल, और L क्या है, L है लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बना है ये कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये जो N है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर जो मेटल है फिर यहाँ पर लिगेंड है, तो लिगेंड कितने हैं, एन नंबर में लिगेंड है। तो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो होगा हमें MLN। अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पर कंसिडर की है, अब ये जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगी, तो सबसे पहले जो ये रिएक्शन है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले एक मेटल और एक लिगेंड आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, ML कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो ML है इसका फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इसके लिए ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस स्टेप के लिए, इस रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखेंगे K1। वन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन के लिए इसको निकाल रहे हैं, तो हम K1 लिखेंगे। देन हम सेकेंड स्टेप वाली के लिए निकालेंगे तो K2 लिखेंगे। तो ये क्या है, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे K1, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे विद ब्रैकेट, हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ML, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम नीचे लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन है, इस फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। अब देखिए, अब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड टू ML। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने एक मेटल लिया था, एक लिगेंड लिया था, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेटल के साथ में एक लिगेंड को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मेटल के साथ में एक लिगेंड को ऐड कर दिया, तो हमारा ML और जो लिगेंड था वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा वो होगा ML2, क्योंकि यहाँ पर एक L इसके साथ है और एक L यहाँ है, तो दो L हो गए, तो ML2 हो गया। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो उसको हम लिखेंगे K2, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप है और सेकेंड स्टेप के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखेंगे, तो प्रोडक्ट है हमारे पास ML2, तो ML2 करेंगे अपॉन जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखेंगे विद ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमने रिएक्टेंट्स को लिख दिया, ML अलग लिख दिया और L को अलग लिख दिया। तो ये बात हो गई सेकेंड स्टेप की। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम जो हमारे पास सेकेंड स्टेप में ML था उसमें एक और लिगेंड जोड़ देंगे, तो ML का ML2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ML2, बाकी का जो हमारे पास लिगेंड है वो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो होगा ML3, क्योंकि टू लिगेंड यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ML3 हो जाएगा। अब यहाँ जो ML3 है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो हम लिखेंगे K3। थर्ड स्टेप वाली रिएक्शन के लिए हम K3 लिखेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर लिख देंगे और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख देंगे अपॉन में। अब देखिए हमने यहाँ पर थ्री स्टेप्स करके देखे और
तीनों स्टेप्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला। अब फाइनली हम बात करते हैं कि MLN कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया, इससे हमें समझ में आया कि MLN कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरीके से MLN कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? हम MLN माइनस वन कर देंगे प्लस L। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा MLN। तो ये जो हमारा MLN है, उसका फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। MLN माइनस वन करेंगे, प्लस लिगेंड कर देंगे, तो हमें मिलेगा MLN। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे हम KN। तो KN के लिए हमने प्रोडक्ट लिखेंगे, अपॉन में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, तो ये आ गया इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो N है वो क्या है? वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो K1, K2, K3, KN आया है, ये क्या है? ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। जो K1, K2, K3 और KN है, ये क्या बोले जाएंगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोले जाएंगे। अब देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने पहला तरीका देखा था, जो कि हमने डिटेल में अभी स्टेप बाय स्टेप समझा। अब दूसरा तरीका भी है इसका, इसको निकालने का। तो वो क्या है? इन अनदर वे वी कुड एक्सप्रेस द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और कॉम्यूलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यानी हम दूसरे तरीके से भी जो हमारे पास कॉम्यूलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उसमें इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी वो क्या थी? सिमिलरली हमने वही रिएक्शन यहाँ पर ली है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पर हमने मेटल लिया, सेम लिगेंड लिया, और ML का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप हमारा वही है जो हमने लास्ट मेथड में देखा। सेकंड, अब हम इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर चेंजिंग कहाँ आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर किया, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे, तो K1 यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर कॉम्यूलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कॉम्यूलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो वो है बीटा। अब बीटा वन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, तो बीटा वन लिखेंगे। बाकी का एज इट इज़ लिख देंगे, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप को लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे आएंगे, उसमें हम मेटल के साथ लिगेंड को नहीं ऐड कराएंगे, लिगेंड के साथ ही लिगेंड को ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर हमने एक लिगेंड लिया था, यहाँ पर हम दो लिगेंड लेंगे, तो हमें बनेगा ML2। अब इसके लिए हम बीटा टू, जो इस कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एज इट इज़ आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लिगेंड में ऐड करवा रहे हैं जो दूसरा लिगेंड है उसको, तो हम जो यहाँ पर जो नंबर ऐड कराएंगे लिगेंड में, जैसे हमने यहाँ पे 2 ऐड कराया है, तो हम उस 2 को लिगेंड की पावर बना के लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड स्टेप हम लेंगे, तो यहाँ पर हम मेटल और यहाँ पर 3 लिगेंड करेंगे, यानी 2 लिगेंड पहले से था, 1 लिगेंड को और ऐड कराएंगे, तो 3 लिगेंड हो गया। फॉर्मेशन हुआ ML3 कॉम्प्लेक्स का। अब ये जो ML3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में हम जो कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है उसको बीटा 3 लिखेंगे, और ML3 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये जो लिगेंड है उसकी पावर बना के 3, और बाकी की चीज़ें सेम लिखेंगे जैसे हम फर्स्ट मेथड में कर रहे थे। अब ऐसे ही हम यहाँ पर MLN कॉम्प्लेक्स के लिए कर सकते हैं। तो MLN कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे? मेटल और NL, उसके बाद हम MLN का फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट लिखेंगे, तो सेम लिख देंगे। बाकी ये जो पावर है यहाँ पे N, इसको उसकी पावर बना के लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीटा एन है वो क्या है? वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने सेकंड मेथड है ये, जिसमें हमने बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा N को यूज़ किया, और फर्स्ट जो मेथड था हमारा, उसमें हमने K1, K2, K3, KN को यूज़ किया। तो ये जो K1, K2, K3 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं? उसके लिए हम बीटा 3 के जो एक्सप्रेशन थे हमारे पास, कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी की जो वैल्यू आई थी बीटा 3 के लिए, उसको हम अगेन यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बीटा 3 अगेन। बीटा 3 के लिए जो एक्सप्रेशन थे, जो बीटा 3 क्या है? कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी, तो उसकी जो ये वैल्यू निकल के आई थी उसको हमने अगेन यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ML एंड ML2 एंड रीअरेंजिंग वी हैव। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास है, इसमें हम ML और ML2 से मल्टीप्लाई कराएंगे।
और इसके न्यूमरेटर में भी कराएंगे, डिनोमिनेटर में भी कराएंगे। तो हमने यहाँ पर एम एल एम एल टू लिख दिया, अपॉन में भी एम एल एम एल टू लिख दिया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कराना है। अब इसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा थ्री, उसके बाद हम एम एल यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ये जो एम एल है इनको अलग अलग करके लिख देंगे। तो एम एल को हमने यहाँ लिख दिया एक साथ, उसके बाद इन दोनों को मेटल और लिगेंड को अलग अलग करके लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद हम लिखेंगे एम एल टू को, एम एल टू को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद ये जो एम एल टू है इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने मेटल लिगेंड एक तरफ कर दिया, लिगेंड को अलग कर दिया इन टू। इसके बाद हम करेंगे एम एल थ्री को, एम एल थ्री हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर है एम एल की पावर थ्री। हम क्या करेंगे, इनको मेटल के साथ जोड़ देंगे दो लिगेंड को, तो हो जाएगा मेटल एम एल टू, और एक लिगेंड को अलग कर देंगे तो एम एल टू एल हो गया अलग। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो के वन की है, आप चेक करेंगे फर्स्ट मेथड में जाके तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन के लिए ये वैल्यू थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टू के लिए ये वैल्यू थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्री के लिए ये वैल्यू थी। यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा एन इज इक्वल्स टू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री डॉट 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 के एन। अगर हम इसका लॉगरिदम लेंगे दोनों साइड्स, तो हम क्या कर देंगे लॉग बीटा एन कर देंगे, यहाँ पर log k1 log k2, और ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा उसके बाद log k1 log k2 log k3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस log kn। तो आई होप कि आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा आपको टफ ज़रूर लगेगा ये, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है, सारे स्टेप्स सेम है। चाहे फर्स्ट मेथड देख लीजिए, चाहे सेकंड मेथड कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला देख लीजिए, बस बीटा एन को चेंज करना है और कॉम्युलेटिव स्टेबिलिटी में लिगेंड के साथ लिगेंड को ऐड कराते जाना है, और जो हम वहाँ पे फर्स्ट मेथड कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे केवल, वहाँ पे मेटल के साथ में लिगेंड को ऐड कराते जाना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।